क्लास नंबर 127, एक्सरसाइज 126। आज का रूट वर्ड है एपी। होता क्या है, रूट वर्ड में कभी एक दो पांच शब्द मिलते हैं, कभी 15-20 मिल जाते हैं। तो अभी छोटे छोटे रूट वर्ड चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रीफिक्स भी हैं कई किसी किसी एंगल से। तो हम क्लास शुरू करते हैं, और आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो डिग्री है। और डिग्री का जो मतलब होता है बच्चों, वो आदेश होता है, यानी कि कहीं ना कहीं मीनिंग है जना आदेश। तो आंसर लगा देंगे दूसरा। फीड की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कोई आयोजन या कोई फेस्टिवल। तो इसके लिए एक शब्द ये भी है कि जब कहीं पर कोई फंक्शन हो तो वो भी इसका सिनोनिम बन जाएगा, समारोह हो। और मैली की बात करेंगे तो कल बताया था मैंने आपको, ये होती है भगदड़, ट्यूमल्ट या एजिटेशन। ठीक। लेबरिंथ की बात करेंगे तो ये होती है भूल भुलैया, मैज। पहले का आंसर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, ध्यान दें स्ट्रेंथ पे, यानी कि ताकत, हिम्मत। तो आंसर जो है हमारा वो दूसरा बनेगा। इसके सिनोनिम और भी थे, जैसे करेज, जैसे स्पिरिट, जैसे फोर्टिट्यूड, ये भी इसके सिनोनिम है। बात करेंगे मैज की तो बन जाएगा लेबरिंथ, बात करेंगे मैकेब्र की तो बन जाएगा गोरी, ग्रूसम, ग्रिसली। बात करेंगे मैंडेट की तो बन जाएगा जनादेश, यानी कि ऑर्डर या अप्रूवल या डिक्री, जो भी आया था पीछे सहमति। इसका मतलब होता है बहुत सारे लोगों ने अपना वोट दे दिया कि ये सरकार चुनो, तो वो मैंडेट बन गया। आंसर दूसरे का दूसरा है। ट्यूमल्ट का जो मतलब है वो कोलाहल होता है, तो इसका जो सिनोनिम बनेगा हमारा वो मैली बनेगा। मैकेब्र के लिए भी बताया था मैंने आपको, फिर से बता दूँ, ग्रूसम, और भी हैं गोरी और ग्रिसली। मैज के लिए फिर वो आ जाएगा लेबरिंथ, लिविड। ये मैंने आपको बताया था, लिविड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, इनफ्यूरिएटेड, INFURIATED। यही था ना कल इसी पे मैं कंफ्यूज हुआ था, उम्मीद हो मुझे आज ही सही होगा। तो LIVID, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना। आंसर तीसरे का दूसरा है। क्वेश्चन नंबर चार की बात करेंगे, कॉमन प्लस मिला हुआ है, तो इसका जो सिनोनिम बनेगा हमारा वो चौथा बन जाएगा, मेडियोक्र। इसका और इसका सिनोनिम ट्राइट भी है, घिसा पिटा, बैनल भी है। ठीक है, सिनोनिम दोनों के दोनों ही हैं। इन्फीरियट की बात करेंगे तो ये हमारे लिए फ्यूरियस भी होता है, और अभी जो पीछे पढ़ा आपने लिविड, ये भी इसका आंसर है। मेटल की बात करेंगे तो करेज या फोर्टिट्यूड, साहस। लॉफ्टी की बात करेंगे तो ये होता है बहुत ज्यादा ऊंचा, वेरी हाई, या इसके लिए सिनोनिम बन जाएगा टावरिंग, टावर जैसा ऊंचा। चार का आंसर चौथा है। पांच की बात करेंगे तो बैड टेम्पर्ड, ये हो गया चिड़चिड़ा होना, गुस्से में होना, दुखी होना। सिनोनिम जो है हमारा वो मोरोस बनेगा। डिसेंड की अगर बात करेंगे तो ये अच्छा होता है, यानी कि फाइन। अगर मैंडेट की बात करेंगे तो फिर वही डिक्री, ऑर्डर, अप्रूवल। वेनियल की बात करेंगे तो बच्चों आज ये पार्डनेबल है, क्षमा योग्य है। जो कल वाला वेनल था वो रिश्वतखोर है, और वो क्या होता है हमारा, करप्ट। ठीक, आंसर पांचवे का तीसरा हो जाएगा। छः की बात करेंगे तो ग्रूसम के लिए जो सिनोनिम बनेगा हमारा वो तो चौथा बन जाएगा ना, मैकेब्र। अब बात करेंगे मोरोस की तो ये होता है दुखी, सलेन लिखा हुआ भी है पेपर पे, या गिलूमी भी बन जाएगा, गिलूमी। ठीक है ना, सिनोनिम एक दूसरे के। डिलेक्टेबल का मतलब होता है स्वादिष्ट, यानी कि डिलीशियस या टेस्टी। छः का आंसर चौथा है। सातवें की बात करेंगे तो यहाँ से जो चीज़ें हैं लिख देते हैं हम, ये होता है क्षणिक, बस थोड़े समय का, ये महत्वपूर्ण होता है,
जिसका महत्व हो काफी, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव, ये गति होती है जो किसी वाहन को या किसी अभियान को मिलती है। मेमोरेबल होती है यादगार। तो अब यहाँ जाइए आप, द प्रेजिडेंट विल अनाउंस ए, अध्यक्ष या राष्ट्रपति एक महत्वपूर्ण फैसले की घोषणा करेंगे। आप कुछ और चाहते हैं तो दिमाग लगा लेना, आंसर ये रहेगा। अब हम इसे करेंगे तो देयर वाज ए ब्लैंक हेजिटेशन का मतलब होती है हिचकिचाहट, और बता रहे हैं जवाब देने से पहले हिचकिचाहट बतानी है। तो बच्चों थोड़ी देर की हिचकिचाहट रही, थोड़ी देर हिचकिचाया वो, थोड़ी देर फिर बोला बाद में। आंसर पहला। क्वेश्चन नंबर 9, द मूवमेंट फॉर रिफॉर्म, पहले मूवमेंट की हिंदी सुन लो बच्चों आज, जरा क्या होती है आंदोलन, ठीक है ना, ये मूवमेंट है, एक मूवमेंट आएगा, लिख देता हूँ चलो मैं, ये छड़ होता, कहते नहीं इस मूवमेंट ऐसा होगा, छड़ या वो लम्हा, लम्हा ये अलग है, ठीक है, वो आंदोलन है। चलो, द मूवमेंट फॉर रिफॉर्म होता है सुधार, कोई सुधार करना, जो गलत क्रियाकलाप हो रहे हों उसे रोक के अच्छा करना। तो बता रहा है सुधार के लिए जो मूवमेंट था तेजी से उसने मोमेंटम पकड़ ली, गैदर्ड हो या गैन हो, मोमेंटम लगाना इसके लिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो आता है डोंट वरी, चिंता मत करो, डेज ऑफ फियर, ये सब्जेक्ट बना हुआ है, यानी कि डर के ये दिन, मुसीबत के ये दिन। तो क्या होगा बच्चों आंसर इसका, ब्लो ओवर, गेट ओवर मत लगाना, ये होता है काबू पाना, ये होता है गुजर जाना, दोनों में फर्क है। इसमें व्यक्ति कोई सब्जेक्ट बनेगा, इसमें दिन या बुरा समय सब्जेक्ट बनेगा, नोट कर लेना। बियर अवे की बात करेंगे तो बच्चों ये तो जीतना होता, विन। गिव अवे की बात करेंगे तो ये बांटना होता, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट। गेट ओवर काबू पाना, ओवरकम करना, इसमें कोई व्यक्ति सब्जेक्ट बनेगा ध्यान रखना, और बच्चों ये गुजरना होता बुरे समय का, आंसर मेरा दूसरा ही रहेगा। चिंता मत करो, जल्दी ही ये बुरा समय भी गुजर जाएगा। इट टुक हर, इस पर ध्यान दें, इट टुक हर एजेस, उसे बहुत समय लगा, उसे बहुत समय लगा, उसे बहुत समय लगा, टू आंसर लगाएंगे, गेट ओवर काबू पाने में, यह व्यक्ति पीछे आ चुका है, हर एजेस, इट टुक हर ये हो गया, उसे लगा एजेस कई समय, बहुत लंबा टाइम लगा उसे, बहुत साल बीत गए, तब जाके वो उस बीमारी से उबर पाया, तीसरा ही रहेगा, बाकी नहीं आएगा। मैनी आइटम्स इन डेली यूज आर ब्लैंक प्लास्टिक, बताया था तो मैंने कल आपको, मेड आउट तो समझना होता, कुछ लिखा हुआ कहीं पर हो या बोल रहा हो कोई, मेड अप का मतलब होता सजाना या मेकअप करना, इसका मतलब झगड़ा सुलझाना भी होता है बच्चों, झगड़ा हल करना, पैचअप करा देना, ये इसका मतलब होता है, पैचअप यानी कि मेकअप। कैरी ऑन का मतलब होता जारी रहना या जारी रखना, कैरी ऑन जारी रखो इस चीज़ को, जारी रखो, जारी रहना गोन होता है, यह है जारी रखना, कैरी ऑन करते रहो, जारी रखो इस चीज़ को। तो मेरा आंसर दूसरा है, बहुत सारे आइटम्स डेली यूज के जो है प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, आंसर बन जाएगा दूसरा। ये एक नए तरीके का सवाल है, आजकल मुझे ऐसे क्वेश्चंस मिले तो मैंने देखा बच्चों को बता दूं, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर रोक करके दो तीन दिन में ये करा दूंगा आपको, इस सवाल को समझो आप सही से, ऐसे सवाल आ रहे हैं पेपर में, आ सकते हैं अगर नहीं भी आए हो तो। डायरेक्शन पढ़ा करो पहले सब शब्द उसकी, द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिया गया सवाल, कंटेंस 3 sentences, इसमें 3 वाक्य हैं, लेबल्ड, लेबल का मतलब जिसपे एक निशान पड़ा हुआ है, जैसे ए बी और सी, ईच विद ए हाईलाइटेड वर्ड, हर किसी में एक हाईलाइटेड वर्ड है, हाईलाइट का मतलब वो यहाँ तो हाईलाइट नहीं है, कैपिटल बना दिया हमने, अप्रिसिएशन या इंक्रीज, द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट इज द, ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई द वर्ड, उस शब्द को निकालो ढूंढ के जो दिए गए इन तीनों ही शब्दों के लिए कॉमन रूप से एक एंटोनिम बन जाए। तो इनमें 3 आंसर नहीं देने, 1 आंसर देना है जो इन तीनों का एंटोनिम हो। तो पता है आपको ग्रोथ क्या होती है, उन्नति, एप्रिसिएशन में वो जो तारीफ होती है, अच्छा अच्छा काम कर रहा है वो, इसमें भी उन्नति है, इंक्रीज भी उन्नति, तो तीनों का मीनिंग सेम निकल गया आएगा इसमें, और एक आंसर इसका अपोजिट में होगा, आंसर जो है इसका वो तीसरा हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा बच्चों इन्होंने, एंटोनिम। सर्ज की बात करेंगे तो ये तो बच्चों राइज होती है, बढ़ना, सिनोनिम है उसका ऊपर वाले का ये। एक्सपेंशन की बात करेंगे तो ये विस्तार होता है, चीज़ों का फैलना, एक्सपेंशन होना, बिजनेस का साम्राज्य फैल रहा है उसके लिए आएगा ये एक्सपेंशन। बूम का मतलब भी होता है बच्चों एकदम से तेजी किसी काम में, बूम आ गया उस चीज़ में। तो बच्चों यहाँ जो एंटोनिम है वो तीसरा है, इसका मतलब यह है तीनों के लिए डिक्लाइन काम कर जाएगा जहाँ आप लगाना चाहते हैं,
ये इसका मतलब हुआ। तो दो तीन शब्द दे करके वो एक आंसर पूछ लेते हैं, आंसर तीसरा। फिर ये आया, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम पूछ रहा है ऑफ द गिवन वर्ड। तो क्लैंडेस्टिन का मतलब चुपके से होता है, पढ़ाया था मैंने आपको, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, लिखा नहीं मैंने आज इस पर क्या है ये। तो इसका जो तो सिनोनिम है बच्चों, वो तो दूसरा बनेगा ना, ओवर्ट तो एंटोनिम है ना इसका खुला हुआ, ल्यूसिड स्पष्ट होता है, ये भी एंटोनिम ही है, और बच्चों एपेरेंट भी साफ स्पष्ट, आंसर दूसरा है इसका, सिनोनिम पूछा ना इसलिए। फिर वापस आ गया सवाल देखो ये, डायरेक्शंस द फॉलोइंग क्वेश्चन कंटेंस थ्री सेंटेंसेज लेबल्ड, लेबल का मतलब होता है कोई मार्क कर देना, निशान लगा देना, खास पहचान बना देना। तो खास पहचान ये है ए बी सी, एज ए बी एंड सी ईच विद ए हाईलाइटेड वर्ड आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट इज द एंटोनिम। फिर वही पूछ लिया। तो एक वेटरन है, जानते हो क्या होता है, अनुभवी, जिसे बहुत ज्यादा अनुभव हो, ये भी तो बच्चों वो ये सीजनड अनुभवी, ये सब सिनोनिम एक दूसरे के। अब इसके लिए एक एंटोनिम ढूंढना आपको इसमें से। आंसर है पहला नोविस, नौसिखिया, एक्सपर्ट पूछते तो सिनोनिम बन जाता, मास्टर भी सिनोनिम बन जाता इसका, ठीक है ना, और प्रोफेशनल भी जो है वो क्या बन जाता हमारा, सिनोनिम बन जाता इसका। खैर प्रोफेशनल सिनोनिम नहीं बनता, ध्यान रखें, इसका जो तो सिनोनिम है वो एक्सपर्ट और मास्टर बन सकते हैं, लेकिन ये इसका प्रोफेशनल तो अलग ही चीज़ हो गई ना। आंसर लगाएंगे हम पहला, ध्यान रखने सवाल होगा। ये हमारी क्लास नंबर 127 है, ये भी बताएंगे लास्ट में आपको क्या है। मैटिनी, दोपहर का शो, जेन्युइन के लिए क्या था बच्चों, याद है, बोनाफाइड, भरोसेमंद, बढ़िया इंसान, विदेशी शब्द है ये। फ्रॉम द बिगनिंग क्या था, एब इनिशियो, एब इनिशियो का मतलब होता है बिल्कुल शुरुआत से। मैलिस एक नया शब्द हो सकता है आपके लिए, इसका मतलब होता है द्वेष, दिल में कोई किसी दूसरे व्यक्ति के लिए घृणा रखना, तो इसके लिए बन जाएगा सिनोनिम क्या बच्चों, इलविल, सिनोनिम है इसका ये। मैलिस पहले बोल चुका हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ध्यान है मेल में पढ़ाया था मैंने, जब मेल का रूट वर्ड पढ़ाया था, ध्यान है ना, चलो इसे नोट कर लो, एम वाली में आज्ञा। फिर ये जाएंगे दूसरे पे, आज्ञा देखो मैलिस, अच्छा सिनोनिम पूछेंगे तो इलविल, सिनोनिम पूछेंगे बच्चों मेल वैलेंस भी बनेगा, इसमें भी दुर्भावना होती है, व्यक्ति के दिल में दूसरों का बुरा चाहता है, स्पाइट भी यही होता है, स्पाइट में भी नफरत द्वेष होता है, तो बच्चों ये हो गया हमारा द्वेष या घृणा। अच्छा एंटोनिम पूछा, आंसर है दूसरा बेनवलेंस, ये होती है परोपकारिता, आंसर दूसरे का दूसरा हो जाएगा। मेनली फिलुअस होता है मधुर, मेनली फिलुअस होता है मधुर, सिनोनिम पूछते तो हनीड, अब आप सोचते होंगे हनी क्यों, हनी ना शहद होता मीठा सा, तो हनीड उस व्यक्ति को बोल देते हैं जिसकी आवाज़ बड़ी सुरीली सी है, शहद की तरह मीठी है, बहुत अच्छी लग रही है, तो हनीड यहाँ पर मधुर के रूप में यूज़ हुआ, ध्यान रखना, डल सेट तो मधुर होता ही है, और स्वीट टॉन्ड ये भी मधुर हो गया, ये सिनोनिम है, इसके आंसर लगा देंगे केकोफोनस, ये होता कर्कश, ऐसी आवाज़ जो कानों में चुपती, एकदम से सुनना नहीं चाहते हम उसे, आंसर पहला है। मिस डैमनर का मतलब होता है बच्चों कोई गलती या अपराध, याद है आपको एफ वाली बुकलेट में आ चुका फेलोनी, आंसर पहला है, या क्राइम या रॉन्ग डूइंग, ये सब इसके सिनोनिम है, मिस डैमनर आपस में सब सिनोनिम है। ये जॉय की बात करेंगे तो ये तो खुशी होती है, इसके लिए बन जाएगा व्हील, याद है आपको व्हील एंड वो, जॉय एंड सोरो, तो व्हील उसमें जॉय होता है और वो जो होता है ये सोरो होता है। वर्च्यू की बात करेंगे तो इसका एंटोनिम ले लो बच्चों मुझसे आप, वाइस, ये अवगुण होते हैं बुरे, ये अच्छे गुण होते हैं। और एंथुजियाज्म की बात करेंगे तो झील आता सबसे पहले इसके लिए सिनोनिम बनने के लिए, उत्साह। चार का आंसर पहला है मिस डैमनर, स्पेलिंग भी आती है देखना मिस डैमनर की। मरून, वैसे तो मरून एक रंग भी होता है, मरून रंग, लेकिन मरून का मतलब यहाँ पे है ऐसी कोई जगह जिसे त्याग दिया गया हो, छोड़ दिया गया हो, तो लिख देंगे डिजर्टेड, यानी कि त्यागा हुआ, जिसे त्याग दिया हो जगह को, मरून है वो जगह, डिजर्टेड। बेगर की बात करेंगे तो ये तो भिखारी होता है बच्चों। लेकी की बात करेंगे तो ये होता है सर्वेंट, नौकर जैसा, नौकर जैसा एकदम से। लीव वे, इसका मतलब होती है बच्चों फ्रीडम, स्वतंत्रता, किसी को काम करने की स्वतंत्रता। पांचवे का आंसर पहला है। छह की बात करेंगे तो मोरिबंड, मरने की कगार पर, बस मरने ही वाला है, तो इसके लिए मीनिंग बन जाएगा हमारा अबाउट टू डाई, अबाउट है ये, मरने वाला। सिनोनिम चाहिए दूसरा है, एक बात और, अगर एंटोनिम चाहिए तो सबसे बढ़िया है रिकवरिंग, वो सही हो रहा है, अच्छी है, सेहत हो रही है उसकी। कहीं ना कहीं इसका जो एंटोनिम है वो ये भी है प्रोस्पेरिंग, जानते हो प्रोस्पेरिटी, अच्छी स्थिति में जाना, तो प्रोस्पर कर रहा है वो, अच्छे हालात हो रहे हैं उसके।
लाइव वायर जो है बच्चों वो बन जाए। अच्छा ये भी इसका एंटोनिम है बच्चों, क्यों नहीं बन सकता ये भी तो एनर्जेटिक है, तो इसका सिनोनिम जो है वो एनर्जेटिक है। तो बोर्ड पे इस टाइम तीन एंटोनिम और एक सिनोनिम है डाइंग, मरने वाला हो जो। आंसर लगा देंगे छः का दूसरा, मैंडेटरी। ऐसे बोलते नहीं ये काम मैंडेटरी है भैया करना पड़ेगा, कानूनन रूप से ज़रूरी, कानूनन आवश्यक, ये इसका मतलब है। एंटोनिम पूछा है तो आंसर लगा देंगे ऑप्शनल, ऑप्शनल इसका एंटोनिम है, लेकिन अगर सिनोनिम पूछते तो ऑब्लिगेटरी बहुत आता, कंपलसरी बहुत आता, बाइंडिंग बहुत आता। बाइंड का मतलब होता है भैया बंधा हुआ, वो बाइंडिंग करना पड़ेगा वो काम, चिपके हुए हो आप उस नियम से। चौथा आंसर है मॉडिकम, मॉडिकम का मतलब होता है अल्प मात्रा, बहुत छोटी सी मात्रा, अल्प मात्रा। तो इसके लिए बन जाएगा लिटिल बिट सिनोनिम। बच्चों पार्टिकल जो होते हैं कण, छोटे छोटे से सिनोनिम बनेगा इसका, वो स्मॉल अमाउंट सिनोनिम है। सरफिट पता है क्या होता है, एक्सेस, अधिकता, बहुत ज्यादा, सरफिट का मतलब, या लार्ज अमाउंट भी बन जाएगा इसका एंटोनिम। आंसर चौथा हो जाएगा। अब हमारे पास ये चार शब्द आ रहे हैं जिसका यूज हमें आना चाहिए। फेबल तो बच्चों एक एनिमल स्टोरी होती है, एनिमल स्टोरी लिख रहा हूँ यहाँ पे, वैसे इसका मीनिंग है ए स्टोरी विच हैज एनिमल्स एंड बाई विच वी कैन लर्न समथिंग, जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, सीख देगी वो हमें। जैसे कछुए खरगोश की कहानी, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हो सकती हैं जिससे हमें सिखाया जाता है कि यहाँ से ये सीख लो आप, तो फेबल हो गई कहानी। अच्छा मॉरल जो होता है ये क्या होता है बच्चा, इसके दो मीनिंग है, एक तो इसका मतलब सीख भी है, जो किसी कहानी से सीख लेते हैं हम। मॉरल क्या था इस कहानी का, इस कहानी से आपने क्या सीखा, क्या उद्देश्य था इसका, ये मॉरल जो होता वो भी यही है। लेकिन इसका एक मीनिंग और होता है नैतिक, यानी कि जो हमारी खुद की नैतिक ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य होते हैं, दोनों मीनिंग है इसके। ठीक, इसे इधर की तरफ ये नाउन पे जा रहा है बच्चों, इधर की तरफ ये एडजेक्टिव पे जा रहा है, ध्यान रखना। ये मॉरल जो है बच्चों ये नाउन है, और ये जो होता है ये होता है उत्साह या जोश। ठीक, ये मॉर्टल जो है ये नश्वर होता, यानी कि अगर कभी आपसे कोई पूछे कि दुनिया में जो इंसान है, जानवर है, पक्षी है, वो मॉर्टल हैं या इमॉर्टल हैं, तो ध्यान रखना नथिंग इज इमॉर्टल, एवरीथिंग इज मॉर्टल। हर किसी चीज को खत्म होना है, हर जानदार चीज को इस दुनिया से जाना है, तो ये इमॉर्टल नहीं है कोई, सब मॉर्टल है, नश्वर, मर जाएंगे सब, ये इसका मतलब है। चलो द ब्लैंक ऑफ द टीम इज वेरी हाई, बता रहे हैं टीम का बहुत ज्यादा ऊंचा था और टीम बहुत अच्छा खेल रही थी। आंसर मॉरल आएगा, टीम का उत्साह, टीम में जोश बहुत ज़्यादा था, बहुत हाई लेवल का था। आंसर तीसरा ही होगा, बाकी सब जगह यही है, तो आप इसे नोट करके यहीं पहुंच जाना। ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी इंसान क्या है बच्चों, नश्वर है, सबको मरना, यही सही रहेगा यहाँ पे। तो फिर आते हैं वी हैव ए ब्लैंक ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन होती है जिम्मेदारी, एक काम ज़रूर होना है वो, और हमारी जिम्मेदारी है उसको करने की। और ये भी लिखा हुआ टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, तो बच्चों वातावरण को बचाने की जो हमारी ड्यूटी है वो नैतिक कर्तव्य है, तो होगा नैतिक कर्तव्य। आंसर बन गया दूसरा। फेबल का यूज मैंने करवाया नहीं है आपसे, 12 नंबर पा दो। आज हम आपके लिए कुछ और चीज़ें लाए हैं, वो भी समझें आप, जरा देखो इधर और बढ़िया कर देते हैं चीज़ों को। एक हो गया मेड फ्रॉम, एक हो गया बच्चों हमारे पास में मेड आउट ऑफ, सबका ध्यान रखना इनका। और बच्चों एक नया आज लाए हैं हम आपके लिए, मेड अप ऑफ, आप ध्यान रखें अगर मिश्रण से कुछ बना हुआ है, मिश्रण है आगे, तो इसे प्रीफर करना। और यहाँ कोई भी पदार्थ हो बेफिक्र होके लगाइए आप मेड आउट ऑफ, और इसका यूज़ तब करना जब इररिवर्सिबल पदार्थ हो, इररिवर्सिबल पदार्थ हो, और इसका यूज़ तब करना जब रिवर्सिबल पदार्थ हो। मतलब अगर आपको लगे यहाँ कोई चीज़ ऐसी बनाई गई है, हाँ यहाँ कोई चीज़ ऐसी बनी हुई है, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, अगर रिवर्सिबल हो तो ये आएगा, और इरिवर्सिबल है तो फ्रॉम आएगा, धोखे से गलत हो गया वो। अब रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब समझो, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है मक्खन और यहाँ दे दिया दूध, तो बता रहे हैं मक्खन दूध से बना हुआ है। अब आप बताओ मक्खन दूध से बना हुआ है तो क्या दूध वापस मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा ना, तो इरिवर्सिबल है, फ्रॉम आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरी अंगूठी या कोई भी चीज़ या कोई भी लकड़ी से बनी हुई है, टीन से बनी हुई है, प्लास्टिक से बनी हुई है, तो ये तो चीज़ें मिल जाती ना हमें, तो ऑफ आएगा। तो रिवर्सिबल है
जैसे लकड़ी मिल जाएगी, जो मेज बनी हुई है तोड़ देंगे, मेज लकड़ी मिल जाएगी तो मैट ऑफ होगी, लेकिन वापस ना मिले। आटे से रोटी बनी हुई है तो रोटी बन गई, आटा वापस नहीं मिल पाएगा, ऐसे केस में फ्रॉम लगाना। अब यहाँ आते हैं मेड आउट ऑफ, अगर आप ये नहीं लगाना चाहते फ्रॉम या ऑफ तो झंझट खत्म करो, आउट ऑफ लगाओ, चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। और ये नया है आपके लिए, जब मिश्रण हो तीन चार चीज़ों का या एक ही तरीके की कई सारी चीज़ों का, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है फिर। वाटर इज ब्लैंक एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अगर ये सब भी मौजूद होते ना तब भी यही भारी पड़ता, हालांकि बाकी सब है नहीं, आंसर जो है वो तीसरा है। मेड आउट समझना, मेड अप कोई झगड़ा वगैरह सुलझाना, मेड फ्रॉम यहाँ नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ मिश्रण है, मिश्रण में नहीं आएगा। यहाँ पे होता अगर मान लो ऐसे करके कि ब्रेड इज और ब्लैंक आगे चल के बताते फ्लोर आटे से बनी हुई है तो आपको लगाना पड़ता मेड फ्रॉम, लेकिन यहाँ आंसर मेड अप ऑफ ही आएगा। एक बार मैं सब आपके सामने आके बोल रहा हूँ, मेड ऑफ रिवर्सिबल चीज़ है, मेड फ्रॉम इरिवर्सिबल चीज़, मेड अप ऑफ जो बोर्ड पे लिखा मिश्रण जो मिश्रण होगा, और मेड आउट ऑफ के लिए फ्री हैं आप, जहाँ मेड ऑफ मेड फ्रॉम आ सकता है वहाँ मेड आउट ऑफ आ जाएगा, ठीक। आंसर तीसरा हो गया बच्चों, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना है। इन राइटिंग का मतलब होता है लिखित में, आप देख रहे होंगे ईडीएम में पुरानी वाली ही काफ़ी रिपीट कर रहा हूँ, जल्दी ही नए पे आऊँगा, फिलहाल अभी नहीं, आप पढ़ते रहें। इन एन नटशेल का मतलब होता है ब्रीफ संक्षिप्त रूप में, एट ए लॉस का मतलब होता है नॉट नोइंग, पता नहीं उसे नॉट नोइंग व्हाट टू डू, पता नहीं क्या करना, भ्रमित है वो, समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूज है, एट ए लॉस मतलब कन्फ्यूज होना। आंसर तीसरा है इन राइटिंग का, पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है एसेंशियल पार्ट, जिसके बिना काम नहीं चल पाएगा, एसेंशियल पार्ट। तेरह का आंसर तीसरा है, मिसोगैमिस्ट याद है आपको, मिस को मैं जल्दी समझाऊंगा, फिलहाल गैमिस्ट तो मैंने पढ़ा दिया आपको, तो जो शादी से नफरत करता है वो मिसोगैमिस्ट, लेकिन जो नफरत करता है नॉलेज से वो बनता है बच्चों मिसोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट में नॉलेज हो जाती है। जो महिलाओं से नफरत करता है उसके लिए आता है मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट। वन हू हेट्स मैनकाइंड ये होता है मिसेंथ्रोपी, मिसेंथ्रोप, नोट कर लेना साहब। चलिए स्पेलिंग की बात करेंगे तो ट्वेल्थ गलत है बच्चों, ट्वेल्थ होगा यहाँ एफ आएगा तब बनेगा, बारवा होता है ये बारवा। डाउनपोर गलत है, डाउनपोर की स्पेलिंग करनी है तो ये करना पड़ेगा, इसका मतलब होता है बहुत मूसलाधार बारिश, यू आएगा। करिकुलम सही है, पाठ्यक्रम होता है, इसका सिनोनिम चाहिए आपको तो बन जाएगा कोर्स, सी ओ यू आर एस ई। लोथ सम में बच्चों ई नहीं आएगा, अच्छा लोथ होगा अगर अकेला तो ई आएगा, वर्ब है ना ये, घृणा करना, लेकिन अगर इसमें लगाओगे सम तो ये नहीं आएगा फिर ई। तीसरा आंसर है एपी का, तो मतलब है बच्चों वो मधुमक्खी से होता है बी, तो हमने चार शब्द दिए इसके लिए, एपियरी जैसे कल एवियरी पक्षीशाला, तो ये हो गए मधुमक्खीशाला, जहाँ मधुमक्खी का पालन किया जाता है वो जगह। एपिसाइड मधुमक्खियों की हत्या कर देना, एपिकल्चर तो बच्चों मधुमक्खी को पालना, और जो ये काम करता है मधुमक्खी पालन का, शहद निकालता है फिर उसमें से, वो एपियरिस्ट होता है। बाकी बातें आपसे कल होंगी, कोशिश की जाएगी कि आपको 7:30-8 तक वीडियो पहुंचा दी जाए। बच्चे ये कह रहे हैं कि सर 8 बजे तक वीडियो पहुंचा दोगे तो हम उसी दिन निपटा लेते हैं, अगले दिन का काम हमारा बच जाता है फिर। चलो करते हैं कोशिश, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।